एमरेड दे रहे पटेटो के लिए। ओके भाई इसका सारा वीट ले जाऊंगा मैं अपने भाई भेड़ बकरियों के लिए बहुत सारा भाई। एक बार फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा या देखा होगा अगर आपने वीडियो देखी है कि हमने बहुत सारे गोलेम बनाए थे अपने अपने हाउस के लिए। एंड हाउस का वीडियो मैं नहीं डाल सकता गाइस क्योंकि मेरा जो वॉइस रिकॉर्ड करा था वो सारा डिलीट हो गया एंड मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग तो है बट वॉइस ओवर नहीं है तो बहुत तो उसको स्किप ही करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर वो आ सकता है कि मैंने घर कैसे बनाया लावा कैसे डाला तो मैं ज़रूर डालूँगा। तो बट आगे के लिए हम कंटिन्यू करते हैं इस गेम को। तो गाइज हमने बनाया था पिछली बार गोलेम तो आज क्या करने वाले हैं, आज मैं लाने वाला हूँ विलेजर्स हमारे फार्म में। यहाँ पर ही हमारा विलेज है, हम छोटा सा यहाँ पर विलेज बनाने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ढकना पड़ेगा मेरे को। एंड मैं लाने वाला हूँ विलेजर्स, तो विलेजर्स के लिए पहले भाई ये गोलेम तुम हटो यार, पहले तुम यार ये मुर्गियाँ इतना ज़्यादा शोर करती है ना ये दिमाग ख़राब कर देती है मेरा। तो सबसे पहले तो यार बहुत सारे बेड बनाने पड़ेंगे मेरे को क्योंकि विलेजर्स को रखने के लिए बेड चाहिए। तो बेड के लिए वुल वुल किधर है, बहुत सारा वुल है यार मेरे पे। ये रहा भाई वुल की कमी नहीं है तुम्हारे भाई पे, सच्ची बताओ मैंने जब से पालना शुरू करा भाई वुल किसी भी कमी नहीं रहती है मेरे को। एंड अरे रुक जा, तो यहाँ पर अपने को बनाने पड़ेगा इस बहुत सारे बेड क्योंकि मैं लाने वाला हूँ विलेजर्स। बहुत सारे नहीं मतलब कि तीन चार बेड बना लेता हूँ तब भी। 2000 years later ओके तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कारपेट जो है बना लिए हैं। अब मेरे को बनाना पड़ेगा गाइस क्या डाइस, अब मेरे को बनाने पड़ेंगे बहुत सारे रेड कारपेट क्योंकि रेड कारपेट ही अपने को बहुत जचने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा भाई रेड कारपेट से, शायद बन जाए। ओके तो 8 कारपेट के 8 ही बन रहे। ओके सही है, ये चीज़ सही है। 56 ही भाई रेड डाई चाहिए मेरे को, बहुत सारा रेड डाई चाहिए अभी। तो यार चलो भाई सबसे पहले तो रेड डाई लेकर आते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास वो काटने का होता है उनका बाल काटने वाला, वो ले लेता हूँ। ओके तो सुबह हो चुकी है एंड अब हमें जाना है रेड डाई लेने। एंड रेड डाई ढूंढनी पड़ेगी भाई, इनको देखो मुर्गियाँ ओ भाई कितनी मुर्गियाँ हो गई है यार, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा भाई कहीं दूर। एंड ज़ॉम्बीज़ को देख तो भाई कैसे हो गए भाई सारे ज़ॉम्बीज़ जल गए। ओके तो वहाँ पर रेड डाई मेरे को दिख रहा है बट वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी है। तो अबे ज़ॉम्बीज़ कैसी कैसी, मेरे पास यहाँ पर तलवार है, नाम देख सकते हो मेरी। अबे तुम मानो शील्ड का है ब्रो, मेरे पे शील्ड नहीं है लोल, मैंने देखा ही नहीं। ओके यार लिच अभी तो कुछ कर ही नहीं, मुर्गी क्या कर रही है, मेरे फार्म की मुर्गी होगी ये रही। ये किससे तोड़ रहा हूँ मैं, ओके चिकन से तोड़ते हैं। बस इतनी रेड डाई है यहाँ पे, रेड फ्लावर। ओके उधर हो रही और तो गाइज यहाँ पर मैं ले आया हूँ, यहाँ पर मेरे को बस 31 ही जो कहते हैं ना रेड फ्लावर मिले हैं। एंड यहाँ पर मेरे को रोज बुश मिली है बट अब मेरे को पता नहीं इससे होगा क्या नहीं, बट इससे तो होएगा, मेरे को देखना डाई कैसे बनाते पहले। तो यहाँ पर कारपेटों की जो है मैंने बारिश कर दी है बट अभी भी कारपेट कम पड़ रहे हैं तो मेरे को अभी और कारपेट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुत सारे कारपेट बनाए हैं एंड अब देखते हैं अगर इतने कारपेट जो है रेड कारपेट कम पड़ जाते हैं तो मैं अभी मेरे पास और कारपेट और वुल है तो मैं और बना लूँगा। बट अभी इतने से ट्राई करते हैं क्योंकि यार वेस्ट नहीं करना चाहते मैं रिसोर्स, अपने जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको वेस्ट नहीं करना चाहता, अगर यूज़ होते तो कर लेता वरना मैं और ले आऊँगा, मेरे पास भाई कमी नहीं है सच बताओ तो। तो यहाँ से हम इसको लगा देते हैं, अरे यार ये ऊपर क्यों लगा रहा है, इसको बाद में फिक्स करेंगे। एंड यार तो गाइस देख सकते हो पूरा जो कारपेट से मैंने यहाँ पर भर चुका हूँ। एंड मेरे को यहाँ पर भी थोड़ा कोबलस्टोन लगाना है तो एक और लाइन में यहाँ पर कारपेट के बनाऊंगा। 2000 years later तो यहाँ पर जो है मैंने पूरी तरह से कारपेट जो है लगा दिया है। एंड अब मैं यहाँ पर एक दीवार बनाने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जो विलेजर्स को रखता हूँ तो भाई मेरे को उनको कैद करके रखना पड़ेगा वरना वो भाग जाएगी सच बताओ तो। तो देखते हैं इसके ऊपर दीवार लगा सकता हूँ क्या कारपेट के, और तो कारपेट के ऊपर मैं दीवार नहीं लगा सकता तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक लाइन तोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मैं दीवार तो बना चुका हूँ, अब मेरे को लाने पड़ेगा आयरन के डोर। आयरन के डोर जल्दी से नीचे से लेकर आता हूँ एंड उसे जो है मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने लगा दिया है पूरा, मतलब कि एक डूर भी लगा दिया है यहाँ पर आयरन का एंड बटन लगा दिया है यहाँ पर कि मतलब कि अगर वो अंदर जाते हैं तो वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि
ऑफकोर्स यार भाग जाएगी अगर मैं उनको बाहर ले आया तो। यहाँ पर अब मेरे को लगाने पड़ेंगे गाइस बेड, तो बेड तो शायद इसके ऊपर नहीं लगने वाले, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से मैं थोड़ा इधर को लगाऊंगा बेड को, तो यहाँ से मेरे को दो ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे एंड देन बेड को सेट करना पड़ेगा। ओके तो ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को, तो एक इधर लग गया है, अब इसके एक साइड में लगाऊंगा तीन तीन ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे थोड़ा दूर दूर। तो यहाँ पर चार बेड जो है मैंने लगा दिया है एंड यहाँ पर अभी बहुत खाली खाली लग रहा है, बट कोई ना गाइस धीरे धीरे करके कमरा भी भर जाएगा एंड अच्छे से इसको अपग्रेड करेंगे। बट अभी तो बस इतना ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे को बस विलेजर्स लाने हैं, दो विलेजर्स मैं मैक्सिमम लाऊंगा, क्योंकि यार इतने विलेजर्स मैं ला नहीं सकता एक बार, तो मेरे को दो विलेजर्स ही लाने पड़ेंगे। एंड अगर मैं आपको अपना ये देखो ये मेरा माइनिंग का जगह है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी मैंने डूर लगा रखा है, और ये जो है मेरा इंचेंट रूम है यार, देख सकते हो यहाँ पर भाई इंचेंट टेबल रखा हुआ है। एंड देखते क्या देता है इंचेंट टेबल, बुक पड़ा है क्या मेरे को कोई, हट यार बुक भी नहीं पड़ रहा यार। तो गाइज अब जल्दी से सो जाते हैं एंड अब जाते हैं गाइज सुबह विलेजर्स को लेकर आने अपने विलेज के अंदर। तो गाइस सुबह हो चुकी है एंड अब हम जा रहे हैं विलेजर्स को लेकर आने अपने विलेज के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये बेकार बेकार का सामान जो है सब कुछ रख देता हूँ, जो जो मेरे काम का नहीं है बिल्कुल भी अभी के लिए। यस हमेशा के लिए सब कुछ बेकार नहीं होगा मेरे लिए भाई। तो गाइस मैं एकदम रेडी हूँ जाने के लिए फार्मर से मिलने के लिए, मतलब कि विलेज से एंड फार्मर से तो ज़रूरी नहीं, मतलब मैं बहुत सारा सामान ले चुका हूँ यार, देख सकते हो कितना सारी सब्जियाँ मैंने जो है ले लिया है। एंड अब मैं पता क्यों मैंने इतनी सारी सब्जियाँ ली है, कि वो एमरल्ड देते हैं एंड बहुत अच्छा अच्छा सामान देते हैं, उनसे मैं डील कर लूँगा अगर वो मेरे को अच्छा अच्छा सामान देते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें ली है एंड अभी भाई इनको भी खाना देना यार, कितनी सारी मुर्गियाँ हो गई भाई सच्ची में यार, मैंने पीछे से भी खोल दिया था। एंड मेरे पे गाय और शीप बहुत कम है अभी यार, इनको ना खाना ढंग से मिलता नहीं है सच बताऊँ, क्योंकि वीट अभी मेरे पे कम फार्म होता है इसलिए तो यार इनको ज़्यादा खाना मिलता नहीं है। बट मैं इनको दे देता हूँ वीट है, वीट का मैं वहीं से लेकर आऊंगा। वीट की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी यार, क्योंकि इनको भी खाना देना है, वीट सीट तो आराम से मिल जाती है। तो भाई गोलेम इनका ध्यान रखियो, मैं जा रहा हूँ विलेज में। तो यार अब मेरे को विलेज चलते हैं यार जल्दी से विलेज को ढूंढने। तो यहाँ से बाय बाय मेरे घर एंड जल्दी आऊंगा मैं। तो अब अपने को विलेज ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग ये सब दो यार। तो हम आ तो गए गाइस, बट अब हमें ढूंढना पड़ेगा विलेज। तो और अंडर ड्रैगन तो भाई वो एंडरमैन अपना ही उछल रहा है, बट उससे पंगे नहीं लेने अभी, क्योंकि अपने को अभी सीधा विलेज की इधर जाना है। तो गाइस चलिए चलते हैं एंड विलेज को ढूंढने, और भाई देखना पड़ेगा कि कौन सा आसपास हमारे विलेज है जहाँ से हम ला सकते हैं विलेजर्स को अपने इधर। तो यहाँ पर अभी मैं तो जा रहा हूँ भाई ढूंढने, अभी तो बहुत दूर मिलने वाला है विलेज भाई अगले जन्म में। ये एरिया मेरी तरह नहीं लग रहा, मेरे जैसा एरिया है। ओह लावा है। ओके भाई तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे को मिल चुका है विलेज। एंड भाई ये विलेज कैसी एरिया में है भाई, एकदम अजीब एरिया में विलेज बना रखा है यार इन्होंने तो। यार थोड़ा साउंड बढ़ाओ पहले तो। यहाँ पर हमारे को गाइस जो है विलेज, अबे यार डैमेज मत दो यार तुम। तो यहाँ पर हमारे गाइस जो है विलेज मिल चुका है, यहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ है भाई। देखो कितना सारा वीट है भाई, इनका सारा वीट ले जाऊंगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं इनका विलेज जो है एकदम एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये सामान बहुत मिल जाता है विलेज में, ठीक है। तो ये फार्मर है, फार्मर से डील करके देखते हैं कुछ डील करेगा भाई के तुम हमारे से। एमरल्ड दे रहे पोटैटो के लिए, ओके एमरल्ड चाहिए ब्रो मेरे को, देना भाई इसका सारा वीट ले जाऊंगा मैं अपने भाई भेड़ बकरियों के लिए बहुत सारा भाई, इतना वीट मिल रहा है ना मेरे को यहाँ से, सारा वीट ले जाऊंगा। अबे जाना क्या कर लेगा तू। ओके वीट सारा ले ले भाई। ओके तो इसका तो वीट सारा मैंने चुरा लिया भाई, यहाँ पर मैंने वीट ब्लॉक चुराया भाई। वीट ब्लॉक के अंदर पता बहुत सारा वीट होता है, यहाँ पर मेरे पास 14 वीट ब्लॉक चुराया एंड वीट ब्लॉक में से कितना 9 वीट निकलता है एक ब्लॉक में से, सोच लो भाई कितना सारा वीट है यार यहाँ पे, है ना। और वहाँ पर मेरे को और वीट भी दिख रहा है अभी भाई, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा है यार वीट लेने को, इनका वीट लेने को। इनके बेड भी ले जाता हूँ। यहाँ पर और लोग भी, ट्रेडर फार्मर, ये ट्रेडर है नहीं ये रहा फार्मर एंड इससे मैं डील कर सकता हूँ। ये मेरे को कैरेट से एमरल्ड दे रहा है। ओके भाई कैरेट लाया हूँ मैं, बहुत सारी कैरेट लाया हूँ, बस और नहीं है मेरे पे, ये ले एक और दे। ओके तीन एमरल्ड से मैंने ले लिया है एंड अब आगे वाले से लेते किसी से। अरे हट जा ब्रो, ये भी है क्या फार्मर, वो पोटैटो को दे रहा है एमरल्ड, दे दे भाई बहुत पोटैटो भाई। इसका पोटैटो मैंने इसको बेच दिया, यही होता है गाइस डील शुगर से भाई, पता नहीं शुगर केन से क्या आपको डील नहीं कर रहा, बट मैं इनका जो वीट ले लूँगा भाई, सारा वीट दो तुम मेरे को अपना भाई, कितना वीट है यहाँ पर देख सकते हो। अरे 19 हुआ, अच्छा हाँ ओके ये और आ। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने इनका सारा लूट लिया है, मतलब कि जितने भी लूट ले सकता था मैंने ले लिया यार, है ना।
तो अब इनको गाइस अब हमें ले जाना होगा, तो मैं देखता हूँ कोई और ट्रेड करने के लिए है क्या यार। ट्रेडर का इनका यार हूँ करते रहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मार दिया मैंने उसे यार, गलती से बहुत मारेगा वो मेरे को। चलो कोई ना, तुम मेरे इधर आना एरिया में, तुम्हें बहुत कुछ दूंगा मैं। ये ट्रेडर कुछ देगा क्या? ओके, तो वीट का ही दे रहा है मेरे को एक एमरल्ड। एंड मेरे पास कितने, अब इनका भी ब्लॉक्स में इनको भेज देता हूँ ना। बहुत वीट है भाई, इतने वीट मेरे को रखने भी नहीं है वैसे। या वरना अगर शुगर केन का होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि शुगर केन मेरे पे भाई बहुत है यार। बट कोई ना यार, अब इनका सामान मैं इनको ही बेच रहा हूँ, क्या जा रहा है। ओके तो छोड़ो इसको। एंड अब गाइस चलते हैं, कहाँ इसको अपने विलेज पे लेके जाना है मेरे को। तो उसके लिए गाइस मेरे को बनानी पड़ेगी क्या 64, तब भी मैं अपने साथ ले चलता हूँ। मेरे को बनानी पड़ेगी गाइस बोट, तो बोट के लिए मेरे को रखना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल। एंड यहाँ पर मेरे को बनानी पड़ेगी बोट। ये रही हमारी बोट, आ चुकी है यहाँ पे। एंड तो गाइस इनको मेरे को एक एक करके ले जाना पड़ेगा भाई, पता बहुत दूर है। एंड इतनी स्लो होती है ना बोट की स्पीड भाई, पता नहीं मैं कैसे ले जाऊंगा। तो मैं फार्मर को पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, मैं नॉर्मल बंदे को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको जाके वहाँ पे रोल दूंगा। तो तू आ जा, बैठ जा इस पे, बैठ जा ब्रो। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ इसको अपने विलेज पे लेके। एंड गाइस देखो कितना स्लो है भाई, सच्ची में मेरे को एक साल तो लग जाएगा अपने विलेज में पहुँचने में, क्योंकि मेरा विलेज जो है -982 है। एंड अभी मैं 17 हूँ, तो मेरे को इस साइड को जाना नहीं, इस साइड को जाना चाहिए। रुको देखते हैं भाई पहले किस साइड को जाना पड़ता है। तो गाइस मैं जल्दी से इसको लेके जाता हूँ अपने विलेज में, एंड वहाँ से वीडियो को जो है चलाता हूँ। 2000 years later. तो गाइस जो भी है मैं विलेजर्स को, तो गाइस विलेजर्स को जो मैं अपने घर के अंदर जो ले आया हूँ। एंड मैंने गाइस उनको जो है ऊपर वाले कमरे में जो है बंद कर दिया, क्योंकि यार वो भाग जाते हैं, वरना अगर मैं उनको बंद नहीं करता तो बेसिकली मैं 2 villagers को वहाँ से लेकर आया हूँ, क्योंकि यार 2 villagers हमें चाहिए होंगे जिससे कि और विलेजर्स बढ़ेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार विलेजर्स किधर है। ये देखो ये रहे दोनों विलेजर्स, ये दोनों से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं शायद। यार ब्रेड से कुछ हो पता नहीं यार, मैं इनको ब्रेड दूँ क्या खाने को? तो मुँह बना रहा है भाई ब्रो, क्या उनको फेंक के दूँ क्या ब्रेड? ओके तो उनके लिए मेरे को ब्रेड फेंकनी पड़ेगी। ओके मैं उनको ब्रेड फेंक देता हूँ सारी। खाओ ब्रो जितनी खा सकते हो, तुम्हारे एरिया से ही लाया हूँ मैं सारी ब्रेड। सारी ब्रेड खा गए, अब कुछ तो दे मेरे को। चलो यार विलेजर्स को तो मैंने यहाँ पर रख लिया है, एंड ये अब अपना सोएंगे। और अब भाई थोड़ा सा यार अपनी मुर्गियों को भी शांत करा दो यार, थोड़ा तो यार तुम शांत हो। और गोलेम भैया क्या हाल है? ये देखो भाई मुर्गियों को देखो भाई, कितनी मुर्गियाँ है। तो चलो यार ये सारी वीट जो भी है मैं शीप्स को खिला देता हूँ, एंड अपनी गाय को खिला देता हूँ, एंड वीट सीड जो है मैं अपने उनको खिला देता हूँ मुर्गियों को। यार ये मेरे को जाने भी नहीं देती यार, इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना अब। ओके तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार उस लाल वाले बटन को जो है प्रेस कर देना, एंड भाई लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि यार जब भी आप लाइक करते हो यार बहुत अच्छा लगता है, एंड दिल से अच्छा लगता है सच्ची बताओ तो। और भाई कमेंट जरूर कर देने का, अच्छा सा कमेंट या कैसा भी कमेंट आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कमेंट कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो तब तक ले गाइज शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर, तब तक ले गाइज बाय बाय।